आज यहां पधारे प्रख्यात सामाजिक और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इस देश की सेवा करने वाले सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त लोगों का मैं संसद परिसर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन सभी माननीय सांसदों का भी जो इस कार्यक्रम में आए, जो अपने अपने क्षेत्र में मानवीय संवेदना से काम करते हैं, क्षेत्र की जनता के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए काम करते हैं, उन सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैं संसद परिसर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त सामाजिक सेवाओं और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले पद्म पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आपके समर्पण से, आपकी सेवा से, आपकी देश के प्रति निष्ठा से निश्चित रूप से देश के सामाजिक आर्थिक मानवीय जीवन के अंदर व्यापक परिवर्तन आया है। माननीय सांसदगण भी जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के सेवक होते हैं, उनका संस्कार, उनका लक्ष्य जनता की सेवा करना और एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, इसलिए दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का काम एक समान स्थिति का है और इसीलिए पद्म पुरस्कार के रूप में आपने जो सेवाएं दी, जो उत्कृष्ट कार्य किए, जिन उत्कृष्ट कार्यों से समाज में एक व्यापक परिवर्तन भी हुआ, समाज को एक दिशा मिली, उस किए गए कार्य को किस तरीके से हमारे संसद सदस्य भी आपके अनुभव, आपके ज्ञान, आपके किए गए कार्यों से सामाजिक आर्थिक बदलाव और विशेष रूप से आपके जीवन पर समझना चाहते हैं, आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहते हैं, आपके किए गए उत्कृष्ट कार्यों को से जो बदलाव हुआ उसकी समझ उनके अनुभवों को प्राप्त कर कर वह भी अपने अपने क्षेत्रों में इसी तरीके के सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं। मुझे याद है कि माननीय संसद सदस्य मानवीय संवेदना के साथ काम करते हैं, जहां उनका अपने अपने क्षेत्र के अंदर, तमाम क्षेत्रों के अंदर जहां सामाजिक सेवा के माध्यम से बदलाव के लिए भी उनकी भूमिका रहती है, देश में कानून बनाने, कानून से लोगों के जीवन में बदलाव आना, उनकी स्थितियों में परिवर्तन आना, उनको अधिकार भी मिलना, कर्तव्य की भावना भी आना, एक संवैधानिक दायित्व भी निभाते हैं और सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि वही होता है जो सामाजिक कार्य को सबसे प्रथम में रखे। और मैं जितना जानता हूं, मैं अनुभव के साथ कह सकता हूं
कि मेरे सभी माननीय संसद सदस्य इसी संवेदना के साथ काम करते हैं और इसीलिए लोकसभा की प्राइड ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसका एक प्रथम चरण है, प्रारंभिक काल है। आप देख रहे होंगे कि पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिनको देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है किस तरीके से सामाजिक जीवन में उनका जीवन है, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष करकर देश की समर्पण सेवा के माध्यम से। अभी मुझे एक बुजुर्ग माँ मिली रास्ते में, किस तरीके से मैंने देखा कि उनके जीवन में किस तरीके से उन्होंने कितनी कठिनाइयों में, कितनी मुसीबतों में, कितनी चुनौतियों में अपने अपने क्षेत्रों में आपने काम किया, लेकिन चुनौतियों को आपने ये मानकर चला कि चुनौतियां मेरी है, समस्याएं मेरी है, मैं ही इन चुनौतियों समस्याओं को समाधान करने के लिए मेरा ही योगदान होना चाहिए, यह आपने संकल्प लिया। और जब आजादी के हम 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही संकल्प लिया है कि देश की करोड़ों जनता इसी तरीके से अपने देश के प्रति समर्पित भाव से, कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से काम करेंगे, सामूहिकता से काम करेंगे, तो हम बहुत जल्दी भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सकेंगे, सभी क्षेत्रों के अंदर व्यापक बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए विशेष रूप से मैं हम अगली जब किताब बनाएंगे उसमें आपके जीवन व्रत भी लिखेंगे कि किस तरीके से आपने ये कार्य शुरू किया, किस तरीके से प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपके काम शुरू करने से उन क्षेत्रों के अंदर सामाजिक और मानवीय परिवर्तन आए। कई पद्म पुरस्कार विजेताओं ने आर्थिक बदलाव के लिए काम किया, विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, कला के क्षेत्र में काम किया है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को ये गौरवपूर्ण सम्मान मिलता है। और उसमें चयन करते समय ये विचार किया जाता है कि समाज के दूर दराज के इलाके के अंदर भी वो काम करने वाला व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं है लेकिन, और जो न प्रसिद्धि के लिए काम कर रहा है, मीडिया से दूर, टेलीविजन से दूर, उन्होंने सारा जीवन केवल मानवीय संवेदना के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसे लोगों का हम अनुभव प्राप्त कर सकें। और ये सत्र इसलिए बुलाया गया है कि हमारे पद्म पुरस्कार प्राप्त लोगों के अनुभवों से, उनके ज्ञान से, उनकी मानवीय सेवा में किए गए कार्यों से और उसके साथ साथ किस तरीके से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के अंदर आपने काम कर जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया, मानवीय संवेदनाओं के साथ काम करके मानवीय जीवन में परिवर्तन लाया, हमारे संसद सदस्य भी आपके अनुभवों, आपके विचारों, आपके कार्यों से साझा कर सके। लोकतंत्र का मंदिर इसीलिए है कि जब संसद में संवाद होता है, चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, वहाँ पर हम एक दूसरे के अनुभवों को भी साझा करते हैं, विचारों को साझा करते हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, जीवंत लोकतंत्र है। इसलिए जहाँ सरकार के कार्यों की आलोचना करनी हो, नीतियों की आलोचना करनी हो,
वहाँ सार्थक रूप से उसकी आलोचना भी की जाती है ताकि सरकार की नीतियाँ पॉलिसी भी ठीक बने। उसी के साथ साथ सरकार के अच्छे कार्य, जिन कार्यों से सामाजिक आर्थिक बदलाव लाया, उसकी भी चर्चा संसद में व्यापक होती है। इसलिए लोकतंत्र की हमारी इन संस्थाओं के अंदर जो चर्चा और संवाद का केंद्र है, जहाँ हमारी कोशिश रहती है उच्च कोटि की चर्चा संवाद हो और जो सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं उससे दूसरे माननीय सांसद या देश के अन्य जनप्रतिनिधि उनके अनुभव, उनके विचारों, उनके कार्यों से प्रेरणा लें। और आज हम सब भी, आप सब लोगों ने जो देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम किए हैं, आपके अनुभवों, आपके विचारों, आपके कार्यों का लाभ हम उठाएंगे। ये एक प्रारंभिक है। आने वाले समय के अंदर हमारी कोशिश है कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे पद्म पुरस्कार प्राप्त विजेता हो या अन्य काम करने वाले लोग हों, उनकी जीवनी, उनके कार्यों की किताब हम देश के सभी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है, उसकी जिम्मेदारी है कि देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और देश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वह जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं और अपने कार्यों से वह जनता के अंदर सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, मानवीय बदलाव लाने का काम करें। और इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर पधारें। मुझे आशा है कि आपके अनुभवों का लाभ माननीय सांसदों को मिलेगा, अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों के अनुभव का लाभ मिलेगा। मैं एक एक व्यक्ति पद्म भूषण का महानुभवों का अगर परिचय कराने लगूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आपके कार्यों से हमें सीखने का बहुत लाभ मिलेगा। और एक जनप्रतिनिधि वही होता है जो अच्छे कामों को, अच्छे कार्यों को हमेशा सीखता रहे। वह जिंदगी में मानकर चले कि मुझे अच्छे ज्ञान, अच्छे अनुभव को हमेशा प्राप्त करते हुए मुझे जनप्रतिनिधि के नाते मेरी जनता का दायित्व मेरा है और जनप्रतिनिधि को इसी अपेक्षा आकांक्षा से लोग चुनते हैं कि वह केवल संसद में पक्ष विपक्ष या चर्चा न करें, सामाजिक कार्य भी करें। और मुझे आशा है कि जिस तरीके से कोरोना के समय हमारे माननीय सांसदों ने जनता के बीच में जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरीके का काम किया, उनके अनुभव हमने किताबों के अंदर किताब निकाली, तो उन्होंने पूरे तरीके से समर्पित भाव से राजनीतिक अपेक्षाओं से ऊपर उठकर उन्होंने कोरोना महामारी के समय अपनी जीवन को समर्पित किया देश के लिए, मानवीय जीवन के लिए। और इसीलिए मुझे आशा है कि आज आपके अनुभवों का हमें लाभ मिलेगा और आने वाले समय में प्राइड इसके लिए एक व्यापक किताब निकालेगी और फिर समय समय पर सभी देश के जनप्रतिनिधियों और आपके बीच में एक व्यापक संवाद और चर्चा अलग अलग प्लेटफार्म पे होगी। हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ, विधानसभाएँ और लोकसभा, जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में समय समय पर आपसे चर्चा होती रहे, संवाद होता रहे, आपके अनुभव, आपके किए गए कार्यों से हम सभी जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिल सके ताकि हम भी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर व्यापक रूप से सामाजिक कार्य कर सकें और सामाजिक कार्य के माध्यम से उस क्षेत्र की जनता के अंदर
व्यापक उनके जीवन में परिवर्तन ला सके। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और विशेष रूप से मैं यहां पधारे उन सभी जनपदों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनमें कितनी उत्कृष्टता है कि आपके अनुभव, आपके ज्ञान, आपके कई कार्यों से प्रेरणा लेने की। और यही मुझे अच्छा लगता है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि बहुत मानवीय और सामाजिक संवेदना के साथ काम करते हैं। निश्चित रूप से आपके अनुभव, आपके विचारों का लाभ हमें मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके अनुभव विचारों को नीचे तक पहुंचा सके ताकि हमारे जनप्रतियों को व्यापक प्रेरणा मिल सके और हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में, जब आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, हमारा संकल्प है कि इस 75 साल के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित करें। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति हमारे जीवन में रहे, क्योंकि आज शहीद दिवस भी है और जिस तरीके से हमारे शहीदों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी और उसके बाद देश आज़ाद हुआ, वैसे ही संस्कार आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ें कि वह भी देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। और यही संस्कार और यही संस्कृति हमको यहाँ पर संसद में और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपनानी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।